हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। इस वक्त हम कानपुर देहात की रनिया विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर कमल का फिलहाल इस सीट पर कब्जा है। प्रतिभा शुक्ला ने 2017 में यहां पर बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2012 की बात करें, जब परिसीमन हुआ था और पहली बार इस विधानसभा पर चुनाव हुआ, तब सपा से रामस्वरूप यहां पर जीते थे। ऐसे में 2022 के रण में आखिर इस विधानसभा सीट पर कौन काबिज हो सकता है, यही हम जानने और समझने के लिए पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र में। ये बताइए कि मौजूदा जो यहाँ की विधायक हैं, उन्होंने प्रतिभा जी, उन्होंने पिछले 5 साल में इस विधानसभा में कोई काम कराया है, कोई विकास का काम जो लगातार जनता चाह रही हो कि ये होना चाहिए? उनकी पूरी विधानसभा में जा जा करके हर एक पंचायत में उनका कार्य है और निरंतर चल रहा है, और अब तो आचार संहिता लगी हुई है, अब तो कोई काम नहीं सरकार हो सकती है। पर उन्होंने पूरा क्षेत्र में, किसी भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाइएगा, उनका काम बोलता है, काम बोलता है जी। इतना काम कराया है, इतना काम कराया है। अच्छा, काम पूरी तरीके से हुआ है विधानसभा में? काम तो मैं कुछ नहीं ज़्यादा, बाकी अपने थाने के बगल में, अकबरपुर थाने के बगल से, और जो बगल से एक रोड गई है जलालपुर तक, वहाँ पे उन्होंने अखबार में निकलवा दिया है माननीय प्रतिभा शुक्ला जी ने, विधायिका जी ने, कि रोड बन चुकी है, कंप्लीट है कागजों में, और आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग चल सकते हैं। अभी तक वो 2 किलोमीटर की रोड बनी हुई नहीं है, अभी भी नहीं बनी है। नहीं, क्योंकि सड़क एक कागजों में बन गई है, बाकी और कहीं नहीं बनी, कागजों में बन गई है। ये सड़क एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है विधानसभा चुनाव में, रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन जो ये भैया बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी में कोई बोल दे कि हमने बनवा दी और कागजों में बन गई वहाँ। ये जो मोदी सर होता है, नहीं नहीं होता है, लेकिन ये जो मोदी और योगी जी की सरकार है ना, ये भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, अराजकता पर पूरा विराम है, और काम हो रहे हैं, खूब कस के काम हो रहे हैं। योगी सरकार में पूरे काम हो रहे हैं जी सर, पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में वाकई विकास कार्य अच्छे हो। तो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं सरकार जी? बिल्कुल खुश है हम, क्या सभी खुश है, सभी नजर आ रहे हैं खुश में। ऐसा काम हो गया इस सरकार में? सर जी, ये जो सोलर बिजली की व्यवस्था, जो लाइट रात में जलने की इन्होंने कराई है पैनल के द्वारा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले यहाँ विधानसभा में कोई व्यवस्था ये नहीं थी, ये इन्हीं की कराई गई थी। भैया बहुत बढ़िया काम हुआ, योगी सरकार से बहुत खुश है। आप तो व्यापारी भी हैं जी, बहुत खुश है। नहीं तो क्या पहले में और अब में क्या परिवर्तन? भैया बहुत गुंडागर्दी थी यहाँ पे, लाइट कभी शाम को खाना खाने के टाइम लाइट मिल रनिया में, आज तक मेरी 50 साल की उम्र हो गई, आज तक लाइट नहीं मिली। लाइट रात में 9 बजे आती थी, सुबह 4 बजे चली जाती थी। तो अखिलेश तब कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त देंगे, वो पहले कहाँ चले गए थे? पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? अब तो वो सब कुछ कर देंगे, चुनाव से पहले सब कुछ बता देंगे, चुनाव के बाद कुछ भी नहीं। नहीं तो ये मुद्दा है नहीं है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वो वादा कर रहे हैं, सारा झूठा वादा है। पूर्व की सरकार में जो 8 घंटे लाइट आती थी, 8 घंटे में भी कटौती होती थी। वीआईपी जिलों में खुद के उनके सपाई थे, कन्नौज थे, उंगलियों में गिनने वाले थे, और बाकी तो लाइट का और गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैली हुई थी। युवाओं को तो वो कह रहे हैं लैपटॉप भी मुफ्त देंगे सरकार बनी तो। मुफ्त देंगे, पहले भी तो दिया था, लेकिन काम कौन कर रहा है उनके लैपटॉप पर, क्या काम हो रहा है उनके लैपटॉप पर? वर्चुअल में बोले हमें कुछ मालूम नहीं, लैपटॉप उन्होंने बांटा लेकिन वर्चुअल में कोई जानकारी नहीं है। युवाओं को कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, अखिलेश सरकार का ये दावा है कि वो योगी सरकार में नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अपने जब उनकी सरकार की थी, स्वकेंद्र करते थे परीक्षा में, कि कोई कहीं केंद्र में जाएगा नहीं, और जो परीक्षाएं होंगी उन्हीं के कॉलेज में होंगी, तो सारे पास हो जाते थे। सारे पास होने के बाद सभी को नौकरी कहाँ मिलती थी? पेपर तो अब भी रद्द होते हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, लेकिन उसके दूसरी तिथि तो जी जा रही पेपर की। अगर पेपर लीक हुआ, पेपर करवा दिया गया, और बोर्ड परीक्षा कहाँ हो रहे हैं? बोर्ड परीक्षा कहाँ हो रहे हैं सरकार में?
इसमें कोरोना काल ठेके खुल रहे हैं, कोरोना काल में ठेके जरूरी है और कॉलेज बंद, बच्चों का भविष्य कहाँ है अंधकार। कोरोना से मरता है तो क्या ठेके की जिम्मेदारी हो जाएगी क्या भाई? युवा युवा किस तरफ दिख रहे हैं इस बार? हमारा तो फुल सपोर्ट योगी जी के ऊपर है। अच्छा, क्योंकि पहले क्या होता था, हम कहीं भी जाते थे लूटपाट होती थी, कहीं रात में निकल नहीं सकते हैं। आज ये है, आज बाइक से भी कहीं भी निकल जाओ रात में, कोई डर नहीं है, एकदम अच्छे से जाइए, कोई डर नहीं, निश्चित। तो पहले मतलब सुरक्षा को लेकर काफी परेशानी थी? हाँ बिल्कुल परेशानी थी। अच्छा, ये जो हमारा परसौली वाला रोड है उसमें अगर आप रात में चले जाएं तो उसमें बहुत मुश्किल ही है जो आप वापस आ जाएं सुरक्षित। मैं परसौली निवास करता हूँ, भाई साहब ने जो बताया कि उस मुश्किल में मेरा ग्राम उसी रोड पे पड़ता है। मैं 11 बजे 12 बजे रात तक वहाँ सफर किया, कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अच्छा। दूसरी बात जो भैया ने कहा कि लैपटॉप चलाने वालों के लिए लैपटॉप तो उन्हें दिया गया जिनके अच्छे नंबर आए, जब वो गाँव की अंतिम झोपड़ी तक लैपटॉप उन्होंने पहुँचाया। जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल गलत। योगी जी अब मोबाइल फोन भी तो दे रहे हैं, योगी जी भी तो स्मार्टफोन दे रहे हैं। हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि इस हिसाब से जो लॉकडाउन लग रहा है, महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए उन्होंने पढ़ाई के लिए ये सब व्यवस्था कराई है। आपने महामारी का जिक्र किया, कोरोना काल में क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा सही थी अस्पताल? नहीं, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ से लेकर के प्रदेश तक का कार्यकर्ता हमारे जो है, जो प्रवासी मजदूर जो वहाँ से पलायन कर रहे थे अदर स्टेट से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ जो कार्यकर्ता था उनको वहाँ पर जाके राशन वितरण कराया, भोजन जो उनसे बन सका वो पूरा करवाया। बसपा भी काफ़ी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ती आ रही है, और दूसरे 2012 की बात करें तो वो तो दूसरे स्थान पर थी, अभी 2022 में आप उसे किस तरफ देख रहे हैं, कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, अगर पुराने इतिहास की बात करें तो बसपा का यहाँ 25% वोटर है, लेकिन वो वोटर जो है वो सारा शिफ्ट हो चुका है बीजेपी में, क्योंकि बसपा का वोटर भी कोई मूर्ख नहीं है, उसको पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो उसको पता है हमें कहाँ शिफ्ट होना है। बसपा का बिल्कुल, बसपा वाले वोटर को पता है कि हमको जाना कहाँ पर है। बसपा का वोटर कभी भी सपा को वोट नहीं कर सकता है, इसका अंकगणित अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि सपा को 5 सीटें मिली और बसपा को 10 सीटें मिली, वो अंकगणित यही बताता है कि जो बसपा का कोर वोटर है वो बसपा का कोर वोटर बीजेपी के साथ में जाएगा, ना कि सपा के साथ में जाएगा। मायावती कहती हैं कि वो सरकार बनाएंगी, सत्ता की चाबी उनके पास होगी, मौजूदा स्थिति में ऐसा नजर आ रहा है? सपने हैं मुगेरी लाल के ये सारे। अच्छा, अखिलेश यादव भी सीएम कह रहे हैं कि इस बारी परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन अगर अच्छा काम किया होता तो इस बार 47 सीटें क्यों मिली होती उनको, और अब भी क्या कर रहे हैं आप? कैराना में देखिए किसको टिकट दी है, अब किसके टिकट फिर काटी क्यों? अगर आप कानून व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं तो कैराना में किसको आपने टिकट दे दी, और टिकट देने के बाद आपने उसकी टिकट क्यों काटी? जो दंगे का मुख्यारोपी था उसको टिकट दे दें। अच्छा, जिसके ऊपर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कैराना में, हसन जी को। जो हम लोग सरकारें चुनते हैं, सरकारें हम चुनते विकास करने के लिए, भैंस चराने के लिए, खेत जोतने के लिए नहीं करते हैं, सरकारों का चुनाव ही विकास के काम कराना होता है, लेकिन उन विकास कार्यों के पीछे हम जनता में क्या विश्वास दे पाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। विकास जो आएगा वो कराएगा, और अगर विकास सपा सरकार में इतना विकास हुआ था तो ये गए क्यों, और जिस कारण से ये गए वही एक कारण। यूपी में तो वैसे भी ये प्रथा रही है, एक बार सत्ता परिवर्तन रहता है, एक बार बसपा को दिया, एक बार सपा को दिया, फिर एक बार बसपा को। वो दौर दूसरा था, जब से परसीमन हो चुका है तब से अब दौर बदल चुका है, लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। आपने देखा यही उत्तर प्रदेश है जिसने एक बार 75 सीटें दी तो एक बार 63-65 सीटें दी लोकसभा में, तो रिपीटिशन हो रहा है और रिपीटिशन होगा। नहीं, आपको लगता है कि जनता एक बार फिर मौका देगी? 100% भैया, 300+ आएंगी, 300+ आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। वजह भी तो होनी चाहिए, सारी वजह है, दोनों टाइम राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, हर चीज मिल रही, लाइट मिल रही, किसानों को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार में, बहुत जनता। खेत खलियान से बाहर निकल के हम आ चुके हैं रनिया के बाजार में, पब्लिक के बीच में, जानने के लिए कि आखिर इस बार उनके मन में क्या है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार भी हैं, यहाँ पे उनसे जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अवधेश गुप्ता। अवधेश जी ये बताइए कि पिछले 5 सालों में
कुछ विकास आपने देखा है अपने विधानसभा क्षेत्र में या नहीं? जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे पानी भरता था, तालाब था। अच्छा, ये मोदी सरकार की देन है जो रोड बनी है। अच्छा। और बाकी व्यवस्थाएं, काफी सारी अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। अच्छा, आप एक व्यापारी भी हैं, व्यापारी के तौर पर कैसा आकलन करते हैं सरकार? नहीं, सरकार ठीक है, सरकार से कोई किसी प्रकार कोई कमी नहीं है और बाकी सुविधाएं बहुत सारी मिली हैं। अच्छा। इस सरकार में योगी सरकार बेहतर है। हम भी सेक्टर अध्यक्ष हैं अपने रायपुर से, भाजपा से। अच्छा। भाजपा से? जी जी जी। तो कहेंगी योगी सरकार? जी जी, हम बिल्कुल कहेंगे। हाँ। कुछ विधानसभा में कराया आपकी विधायिका ने? हाँ हाँ, बहुत काम कराया हमारे विधायिका ने। जी जी, काम हुआ है? बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। शुक्ला जी दोबारा जीत जाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, तो बच्चे की मनसाई है कि प्रतिभा शुक्ला ही आए यहाँ पे। बच्चे की मनसाई की वही आए यहाँ पर। और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी रोहित। रोहित भाई, ये बताइए, रानिया विधानसभा में कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल? बिल्कुल, हर जगह काम है, हर जगह, हर गली, हर क्षेत्र में सब कुछ काम दिखने को मिल रहा है। अच्छा जी। नहीं तो अखिलेश सरकार अच्छी थी, योगी सरकार अच्छी है? भाई फिलहाल में अभी तो जो हम देख पा रहे हैं वो हर तरीके से, हर जगह, हर क्षेत्र में काम हुआ है इस सरकार में। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार रनिया विधानसभा में, क्या कुछ देखने? मैं शहर का हूँ, मुझे। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो क्या लग रहा है, योगी सरकार आएगी या अखिलेश सरकार आएगी? आएगी जी। काम हुआ है? काम तो हो ही रहा है, बराबर हो रहा है। अच्छा। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार में ज्यादा काम हो रहा है, कहने को हर आदमी कहता है। कांग्रेस कहती है मेरा काम, मैंने काम किया, तो काम किया सबने, देख रही जनता, देख रही हम लोग, फिर देख रहे हैं। अच्छा। आपको लग रहा है कि योगी सरकार फिर से आएगी? योगी सरकार फिर से आएगी जी। हाँ, मोदी सरकार ने होती तो चीन आधा हिंदुस्तान ले जाती। अच्छा। हाँ। अच्छा। पाकिस्तान में रोजाना हमले हुआ करता है। हाँ। सब रोका है। अच्छा। गरीब जनता को खाने के लिए सबको दे रहा है। सब काम बढ़िया कर रहे। विकास हुआ इस सरकार में? कुछ काम हुआ है? हाँ काम हुआ, काम दिख भी रहा है। अच्छा। हाँ दिख रहा है काम? दिख रहा है। आपको दिख रहा है काम योगी सरकार? हाँ काम दिख रहा है। हाँ? सही है, काम दिख रहा है। जिस हिसाब से दिखना चाहिए जमीनी स्तर पे, तो वो जमीनी स्तर में भी काम दिख रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, वापसी करेगी योगी सरकार? नहीं जी, वापस आएगी योगी सरकार? नहीं, वापस आएगी बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें मौका दो एक बार, अभी इस पंचवर्षीय में अभी उन्हीं को आना है। अच्छा, ये पंचवर्षीय उन्हीं की है भैया। हम तो सपा सरकार चाहते हैं, क्यों विकास के लिए चाहते हैं, इनसे तो हमें विकास की कोई उम्मीद नहीं रही है। देखो गाड़ियां खड़ी हैं, कई दिन से खड़ी हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं, भाड़ा नहीं है, डीजल महंगा हो ही रहा है, हर चीज़ पे मार हो रही है। और उस समय इतना डीजल तो महंगा नहीं था। आपका क्या कहना है, सरकार में कुछ काम हुआ है जनता के लिए? नहीं नहीं हुआ है काम, ऐसा नहीं कि काम हुआ नहीं, बहुत काम हुआ है जो हम लोगों को लगता है कि काम होना चाहिए, बहुत काम अच्छा हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोगों को लगता है कि काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, काम हुआ है, वो आगे भी होएगा काम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता उन्हें एक बार फिर से मौका दे। हाँ, अब उनको लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब जब मिला था मौका तब उन्होंने नहीं कुछ किया, तो अब उनको क्या करेंगे? अब तो उनका मौका मिलना, हमें नहीं लगता है कि उनको मौका मिल पाएगा। अब बिजली की समस्या पहले ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है? बिजली की समस्या तो अब ठीक है, पहले ज़्यादा थी, अब तो बिजली गांव में भी अच्छी खासी बिजली आती है, जहाँ आती नहीं थी वहाँ भी अच्छी बिजली आती है, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है बिजली की। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं बिजली में। महिलाएं किसे मौका देंगी इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, क्योंकि वो काम सही करते हैं, योगी जी को मौका देने जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से कुछ बदलाव हुआ है? हाँ बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा। हाँ बहुत बदलाव, बढ़िया देख रहे हैं, और योगी सरकार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ, पूरा योगी सरकार है। दोबारा योगी सरकार? जी जी जी, पूरा आएगा। क्यों? क्योंकि बढ़िया काम किया है, बढ़िया सुविधा दिया है, राशन पक्ष कह रहा है महंगाई कर दी है? नहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, सब ठीक है। पक्ष कह रहा है रोजगार नहीं है लोगों के पास? नहीं, रोजगार भी है, सब कुछ है, और बढ़िया काम किया है, और हम लोगों को हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि परिवर्तन होगा या दोबारा लोग योगी जी को मौका देंगे? नहीं, योगी जी को मौका नहीं देंगे, ये 2022 में के पहले 2014, 2017 और 19 में सरकार बनाई, हम लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया। अच्छा। इतना बड़ा धोखा किया, इन्होंने सपने दिखाए थे हवाई चप्पल वाला, हवाई जहाज से उड़ेगा, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, लॉलीपॉप दिया। इस बार क्या नज़र आ रहा है?
अब तो लग रहा है कि यूपी में तो अखिलेश आएंगे। मैं भाजपाई हूँ, भाजपाई था, लेकिन अब नहीं रहूँगा। अब नहीं, नहीं मैं पदाधिकारी। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने धोखा दिया, SC ST OBC को धोखा दिया। OBC के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, लेकिन उन्होंने OBC का कुछ नहीं किया। ये सिर्फ चंद लोगों के होकर के रह गए। बढ़िया काम मोदी VIP। हाँ, किसी को भूखा नहीं रखा है ना सरकार। अच्छी रही, मोदी ने अच्छा काम किया है और सबको कोई भूखा भी नहीं रखा, खूब बल्लभ ने दिया है। अभी मिल रहा है गल्ला, और जो सिलेंडर अभी कल आए बटे हुए हैं वो हमको मालूम नहीं यार लेने के। देश कह रहे महंगाई कर दी सरकार ने। महंगाई अखिलेश तो अखिलेश कहा जाने हुई जो है एक नंबर मोदी आदमी अपन जो है। आपको लगता है कि अगर हम देश के मुद्दे की बात करें तो उस पर मोदी और योगी सरकार को एक बार फिर से मौका देना? बिल्कुल देना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, चाहे जितनी महंगाई आ जाए चाहे जो आ जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। महंगाई का मुद्दा कुछ नहीं है? क्या महंगाई बताइए, किस चीज में क्या महंगा है? क्या अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका गांधी इन्हें मौका दे सकती है? नहीं, हमारे ख्याल से तो भाजपा को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि काम भी इस सरकार में काफी काम हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जैसे इन्होंने किसान सम्मान योजना चलाई और भी ऐसी कई चीज़ें उन्होंने चलाई हैं जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन कह रहे हैं युवा, अखिलेश कहते हैं युवा वर्ग इस वक्त परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। जो युवा वर्ग समझदार है थोड़ा सा, जो हिंदुस्तान की तरफ या भारत की तरफ रुझान जिनका है, तो वो तो हमारे ख्याल से नाराज़ नहीं है। और जो अगर ये लोग जातिवाद के उस पर देखा जाए तो ज़्यादातर जातिवाद के हिसाब से युवा नाराज होगा, क्योंकि उनको जातिवाद पे भरोसा, और इस सरकार में कोई जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं रहा है। इस सरकार में हर व्यक्ति को बिल्कुल एक नज़र से देखा गया है। जी, रनिया विधानसभा में क्या दोबारा कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? या मेरे ख्याल में तो कमल ही खिलना चाहिए, और जहां तक हो सकेगा तो खिलेगा ही, और बाकी नहीं कह सकते हैं। तो लोगों की राय हमने रनिया विधानसभा से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार कौन रनिया विधानसभा में बाजी मार सकता है। ये बात ज़रूर है कि जहां पर कुछ लोग योगी और मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए नज़र आए, तो वहीं कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि मुकाबला इस बार काफ़ी कड़ा है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया TV।